नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कांग्रेस के प्रदेश सचिव एवं इंदौर जिला प्रभारी महेंद्र जोशी के द्वारा भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने 18 साल के कार्यकाल का हिसाब तो जनता को दे नहीं रहे। प्रतिउत्तर में अपनी नाकामी छुपाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल में 4 महीने तो चुनाव आयोग की पाबंदी लगी रही, मात्र 11 महीने का हिसाब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मांग रहे हैं। सिर्फ विपक्ष पर अनर्गल इल्जाम लगाओ और भाग जाओ ताकि अपनी नाकामी छुपी रहे। जनता सब देख रही है और वो इस बार के चुनाव में बीजेपी को हराकर कांग्रेस को जीत दिलाएगी। सवाल ये है कि मेरे ऊपर सवाल इसलिए अभी उठे कि मैं इस कार्यक्रम के अंदर हूँ और काफी देर से हूँ। मुख्यमंत्री जी से एक साधारण सहज सवाल जो एक शायद 5वीं कक्षा का बच्चा भी बता सकता है, 18 वर्षों का 19 वर्षों का हिसाब देने के बजाय वो कुल 15 महीनों की सरकार जिसमें 11 महीने काम कर पाए, 4 महीने चुनाव आयोग की पाबंदी लगी होने के कारण, वो 11 महीनों का हिसाब मांग रहे हैं और 18 महीनों का हिसाब कभी नहीं देंगे। ये मैंने जो कहा आपसे हिट एंड रन की योजना है, ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस वाली सिचुएशन है, रोज़ हमले करो, रोज बात करो। आप लोग इन सारी बातों को, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह देता हूँ, लोग बहुत आराम से और समझदारी से चीज़ को देख रहे हैं और अब चूँकि मुख्यमंत्री के नीचे से सब ज़मीन सरक चुकी है, उनका ये उजागर हो गया है सब कुछ, इसलिए 2023 में कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और उसके बाद में फिर एक नया सूरज उगेगा, नया अध्याय आरंभ होगा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।